आजकल क्या है भाई, डेंजर मसला हो गया। कई को बोले तो 3G फोन अभी भी लोगों के पास है। अब वो 3G फोनों में टेंशन क्या हो गया बोले तो, जो बड़े फोन है लोगों में, जो वो एप्लीकेशन है जो पुराने थे, अब वो बड़े बड़े एप्लीकेशन बन गए, ज़्यादा MB के बन गए, नए नए फीचर आ गए उस लोगों में, तो टेंशन हो गया। अब यहाँ पर क्या टेंशन आ रही बोले तो, जो पुराने फोन है 3G फोन और लोगों में जो है एप्लीकेशन जा रहे नहीं, अब इसके वास्ते जो है शेरिट भी भेजेंगे बोले तो बाद वक्त नहीं जा रहा बाद लोगों के मोबाइल में। अब इनवाइट करके जो है अपन सेंड करते हैं शेरिट को, वो तो आप लोगों को मालूम ही छूंगा। अब जो नॉर्मल एप्लीकेशन है, अगर फाइल के थ्रू अपन लगा भेजे तो शायद ही उन्हें जा सकता, तो जा सकता सपोर्ट कर लिया तो। अब वो फाइल जाने के बाद में उन्हें नॉर्मल सी बात है इंस्टॉल होने में ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं लगती। अब डायरेक्टली अपन मोबाइल से ऐप को भेजेंगे बोले तो जो है डायरेक्टली ऐप जाना बोले तो ज़रा भारी पड़ जा रहा। अब वो फाइल के थ्रू भेजे तो जो है ज़्यादा हार्ड मोबाइल को नहीं दिखता। तो उसके लिए मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ बोले तो, नॉर्मली आप लगा जो है मान लो शेरिट से कोई एप्लीकेशन भेजे दूसरे मोबाइल में जो वो एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करें, फिर बाद में अनइंस्टॉल कर दिए, तो वहाँ पे जो है उसकी फाइल जो है फाइल मैनेजर में रहती, फिर बाद में उसको आप लोग बगैर डाउनलोड करे के भी जो है इंस्टॉल कर सकते। तो वैसी फाइल अपन को कौन से भी एक एप्लीकेशन की बनाना है, वो फाइल बनाने के बाद जो है नॉर्मल सी बात है आप लोग ब्लूटूथ से फाइल को भेज सकते। डायरेक्टली ब्लूटूथ से भेजना तो ऐप को बहुत नामुमकिन है, आई भेज ही नहीं सकते। अब जो खाली फाइल रहती वो आप लगा भेज सकते, गानों की फाइल रहने दो, वीडियो की फाइल रहने दो, वो तो फाइल लाइन रहते, मगर एप्लीकेशन की फाइल नहीं रहती, वो एप्लीकेशन रहता APK रहता, तो उसकी फाइल अपने को बनाना है। तो वो फाइल कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को जो है EX फाइल एक्सप्लोरर या मैनेजर बोल के डाउनलोड करना है। पहले जो है ES फाइल एक्सप्लोरर बोल के इन्हें प्ले स्टोर पर मौजूद था, मगर उन्हें डिलीट हो गया, तो ये वही फीचर्स के साथ EX फाइल मैनेजर बोल के एप्लीकेशन आया। अब उसको डाउनलोड कर लो आप लगा, डाउनलोड करने के बाद तो इंस्टॉल करो, ओपन करो, करते कि जो यहाँ ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं देखो, वो 3 डॉट्स पर क्लिक करो। उसके बाद जो है नीचे से सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा ऐप मैनेजर, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे जो जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं, अब मान लो कौन सा भी आप लोगों को एक एप्लीकेशन सेंड करना है, अब यहाँ पे सेंड करना है मेरे को अमेज़न शॉपिंग ब्लूटूथ से, तो यहाँ पे जो है इस पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके जो है बैकअप पर क्लिक कर लो। बैकअप पर क्लिक कर लिए, अब फिर यहाँ पे जो है इंटरनल स्टोर पे जाना है, जाते कि जो है यहाँ पे 3rd ऑप्शन दिख रहा ऐप बैकअप, ऐप बैकअप पर क्लिक करते कि जो है फाइल देखो बन के आ गई। तो फाइल बनाना आसान है मेन चीज़। अब यहाँ पे क्या है, कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है समझो, लाइफ टाइम आप लोगों को जो है साथ में रखना है, तो ये फाइल को आप लगा कहीं भी अभी सेंड कर सकते, ब्लूटूथ से रहने दो, शेरिट से रहने दो, एक्सटेंडर से रहने दो, किससे भी रहने दो। अब यहाँ पे इसको आप लगा कॉपी करके जो है SD कार्ड में भी रख सकते हैं, दूसरे मोबाइल में मेमोरी डालते ही जो ये फाइल जो है शो कराता, उसके बाद जो है इंस्टॉल कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। तो इस तरीके से जो है 2-3 ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दिया, और क्या है, और जो है आप लोगों के हिसाब से जो है ये फाइल बन गई, बाद में आप लगा जो चाहे वो कर सकते। देखो ऐप बैकअप बता रहा ना, अब मैं इस पर क्लिक करते कि जो है देखो इंस्टॉल बता रहा, हालांकि इंस्टॉल है बाद भी अब ये फाइल है भाई, अब ये क्या है डाउनलोड करे भी फाइल है, अभी इन्हें डिलीट नहीं होती, इसको डिलीट करे तो चीज़ें डिलीट होती। अगर मैं अब वहाँ से जो है वो एप्लीकेशन है ना अमेज़ॉन, उसको अनइंस्टॉल कर दिया समझो, तो उन्हें सीधा चल जाता मोबाइल में से, मगर ये फाइल निकाल के मैं रख लिया तो क्या है मालूम, अभी इन्हें हमेशा रह जाती है। अब अनइंस्टॉल उधर से कर भी दिया मैं वो एप्लीकेशन को अमेज़ॉन को, तो इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इतना आप लगा समझ गए होंगे, अब ज़्यादा डिटेल में समझाने को बैठाता हूँ मैं भूल जाता हूँ जैसा दिख रहा मेरे को, क्या है अब समझ गए होंगे। छोटी मोटी वीडियो बता के जो है जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा मैं प्रॉब्लम, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछो, वैसा कुछ भी नहीं है, बिंदास जवाब देंगे आप लोगों को। तो क्या है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज़।